जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिया शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 10 की मौत, एक हमलावर भी मारा गया। पुलिस का आतंकी हमले से इनकार। चौबीस घंटे बाद भी भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का नहीं मिला कोई सुराग। सर्च ऑपरेशन में वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम्स लगाई गई। थोड़ी देर में चेन्नई पहुंचेंगे रक्षा मंत्री पर्रिकर। वेदांता ने केएन इंडिया के साथ मर्जर की शर्तों में किया बदलाव। केएन के एक शेयर के बदले वेदांता का एक शेयर मिलेगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लुभाने के लिए 4+1 का ऑफर। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर बढ़ेगी मुश्किलें। बिना पैन वाले बड़े लेन देन का भरना होगा कंफर्मेशन फॉर्म। आयकर विभाग ने 7 लाख लोगों को जारी किए हैं नोटिस। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सस्ते रेट पर मिल सकते हैं हाउसिंग लोन। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ईपीएफओ शहरी विकास मंत्रालय के बीच बन सकती है सहमति। ओवरप्राइसिंग मामले में सिप्ला को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 175 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। अंतिम सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। SBI ने पेमेंट वॉलेट बड़ी के लिए आदित्य बिरला फैशन और IRCTC के साथ किया करार। बड़े ब्रांड्स के आउटलेट में कर सकेंगे शॉपिंग। IRCTC से टिकट बुकिंग के लिए भी होगा इस्तेमाल। आज श्रीनगर जाएंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। CM महबूबा मुफ्ती के साथ हालात पर करेंगे चर्चा। हिंसा में अब तक 46 लोगों की हो चुकी है मौत। कश्मीर पर नवाज शरीफ और हाफिज सईद ने मिलाया सुर। नवाज को कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने का इंतजार। हाफिज सईद ने आसिया अदराबी को बताया बहन। बुरहान वानी से फोन पर बात करने का किया दावा। BSP के खिलाफ आज पूरे यूपी में BJP का हल्ला बोल। दयाशंकर की पत्नी और बेटी के समर्थन में करेगी प्रदर्शन। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की मांग।